अगर कड़ी मेहनत करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। मेहनत से तो इंसान हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। इसे आप यूपीएससी के नतीजों में देख सकते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल के टीचर के बेटे अनिकेत ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है, जिन्होंने लगातार मिल रही असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और डट कर मेहनत करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि आज वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं। उन्होंने देश की सबसे कठिन कही जाने वाली यूपीएससी परीक्षा को पांचवें प्रयास में पास किया है, जिसके बाद से उनके परिवार में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि अनिकेत ने कैसे जीती हारी हुई बाजी, घर के लोगों ने कैसे किया उन्हें सपोर्ट और अब गांव में माहौल कैसा है। यूपीएससी 2023 की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार के गोपालगंज के हजियापुर गांव के लाल अनिकेत ने इस गांव का नाम रोशन किया है। पहली बार इस गांव से किसी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। अनिकेत ने इस परीक्षा में 226वां रैंक हासिल किया है और वो आईपीएस बने हैं। हालांकि अनिकेत के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। एक दो नहीं बल्कि चार बार लगातार उन्होंने प्रयास किए, जिसमें उन्हें असफलता मिलती रही, लेकिन वो निराश नहीं हुए, अपनी तैयारी करते रहे और आखिरकार मेहनत रंग लाई। अनिकेत को पांचवी बार में सफलता मिल ही गई। इनके माता पिता दोनों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। बीते दिन 16 अप्रैल को जब यूपीएससी की ओर से 2023 का रिजल्ट जारी किया गया, गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अनिकेत के घर पर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हालांकि अनिकेत अभी दिल्ली में हैं, जल्द गोपालगंज पहुंचेंगे, लेकिन अनिकेत की इस सफलता ने उनके परिवार के लोगों की खुशियों में चार चांद लगा दिया है। बेटे की सफलता के बारे में मीडिया से बात करते हुए अनिकेत के पिता ने बताया कि उनके तीन बेटों में अनिकेत सबसे बड़ा बेटा है और एक बेटी है। अनिकेत ने बचपन में गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की। केंद्रीय विद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद शालीमार बाग केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अनिकेत के पिता आगे कहते हैं कि उनकी माता ख्वाजेपुर में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। लगातार चार बार असफलता मिली, लेकिन अनिकेत ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और जुनून के साथ तैयारी जारी रखी। अब पांचवी बार में अनिकेत को सफलता मिली और आईपीएस बनकर गांव समेत बिहार का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि यूपीएससी की कठिन परीक्षा में कई उम्मीदवार एक दो बार असफल हो जाने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें अनिकेत की तरह लगातार अपना प्रयास करते रहना चाहिए ताकि एक दिन उन्हें भी सफलता मिले। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया